हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ईएफबी इंग्लिश फ्रॉम बिगनिंग। फ्रेंड्स, आज हम देखने जा रहे हैं क्या लेसन नंबर 65, जहां पर हम देखेंगे कि इंपरेटिव सेंटेंस का एक्टिव और पैसिव कैसे बनाया जाता है। बट फ्रेंड्स, इस लेसन को स्टार्ट करने के पहले आपको लेसन नंबर 63, जहां पर मैंने इंपरेटिव सेंटेंस की सारी कंडीशन आपको समझाई थी, और लेसन नंबर 64, जहां पर मैंने आपको लेट का यूज बताया था, उन दोनों लेसन को अच्छी तरीके से वॉच करना होगा, तभी जाके ये लेसन आपको समझ में आएगा और बड़ी आसानी से आ जाएगा। तो पहले आप लेसन नंबर 63 और 64 दोनों को वॉच कर लीजिए और उसके बाद इसको देखिए, आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी, सारी बातें आपको आसानी से समझ में आ जाएंगी। तो फ्रेंड्स, पहले बात करते हैं क्या इंपरेटिव सेंटेंस, जहां पर इसकी शुरुआत कहां से हुई थी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद क्या आ गया था, ऑब्जेक्ट आया था। और फ्रेंड्स, मैंने आपको ये भी बताया था कि इंपरेटिव सेंटेंस का मतलब आदेशात्मक वाक्य होता है, लेकिन हर बार हम किसी को ऑर्डर ही दें ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। दूसरी बात और माइंड कीजिएगा, यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर क्या लिखा मैंने यहाँ पर, ऑब्जेक्ट। और ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर सेंटेंस में सिर्फ और सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आए, ऑब्जेक्ट आए ही ना। तो दोनों ही कंडीशन में उसका पैसिव कैसे बनाया जाएगा, वो सारी बातें मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आपको सारी बातें आसानी से समझ में आ जाएं। तो फ्रेंड्स, अगर हमारे सेंटेंस की शुरुआत वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट से हो रही है, इसका मतलब हम किसकी बात करने जा रहे हैं, एक्टिव सेंटेंस की। ये सेंटेंस हमारा एक्टिव का होगा। एक एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लिख के आपको समझाता हूँ। अगर मैंने आपसे कहा होता सर्च द डोर, तो ये हमारा जो सेंटेंस है ना, ये कहाँ का होगा, एक्टिव का कहलाएगा, जिसमें ये हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अगर फ्रेंड्स हमें ये सेंटेंस मिला कि शट द डोर और इसको मुझे पैसिव बनाना होता, तो सबसे पहले मुझे क्या रखना होता, लेट। इस लेट के ठीक बाद आपको क्या करना है, इस ऑब्जेक्ट को कॉपी करना होगा, फिर क्या रखना होगा, बी, उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। OW का मतलब क्या होगा, अदर वर्ड्स, जो भी आपके सामने आते जाएं आप उन सबको बाद में कॉपी कर सकते हैं। तो ये था हमारा एक्टिव। अगर इसे मुझे पैसिव बनाना है तो बस हमें इस स्ट्रक्चर को फॉलो कर देना है और कुछ नहीं करना है। तो हमें सबसे पहले क्या लिखना होगा यहाँ पर, लेट, तो उसको आप ऐड कर दीजिए। अब हमें ऑब्जेक्ट को कॉपी करना है, जो कि यहाँ पर क्या था, द डोर, उसको भी यहाँ पर हम लिख लेते हैं। फिर क्या लिखना है यहाँ पे हमें, बी, तो बी को ऐड कर दीजिए। सट की जो तीनों फॉर्म होती है वो सेम होती है, सट की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, तीनों सेम होती है। तो हमें यहाँ पर वर्ब की कौन सी फॉर्म रखनी है, थर्ड फॉर्म, तो क्या ऐड कर दिया हमने यहाँ पर, सट। तो हमारा सेंटेंस है ना वो कंप्लीट हो चुका है, लेट द डोर बी शट। तो ये था हमारा एक्टिव, और इसका पैसिव बनाने के लिए हम लोगों ने लेट का यूज किया और इसको पैसिव बना लिया। इसी तरीके से फ्रेंड्स, वो सारे सेंटेंस जहां पर आपको ऑब्जेक्ट मिल रहा है उसका पैसिव बनाने के लिए आप लेट का यूज कर सकते हैं। एक एग्जांपल और देखिए और इसको समझिए। अगर मैंने आपसे कहा होता स्पीक द ट्रुथ, speak द ट्रुथ, तो ये सेंटेंस हमारा कहां का हो गया, एक्टिव का हो गया। अब अगर इसे मुझे पैसिव बनाना होगा तो सबसे पहले मुझे क्या लिखना होगा, लेट, उसके बाद ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, द ट्रुथ, उसको कॉपी कर दीजिए, लेट द ट्रुथ, truth। फिर हमें यहाँ पर क्या ऐड करना होगा, बी, और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, जो कि यहाँ पर क्या थी, स्पीक, तो थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, स्पोकन। तो सेंटेंस हमारा फिर से कंप्लीट हो गया, लेट द ट्रुथ बी स्पोकन। इसी तरीके से अगर मैं आपसे कहूँ प्ले फुटबॉल, तो पैसिव क्या बनेगा, लेट फुटबॉल बी प्लेड। अगर मैं आपसे कहूँ कुक फूड, तो पैसिव क्या बनेगा, लेट फूड बी कुक्ड। अगर मैंने आपसे कहा होता है स्पीक इंग्लिश, तो पैसिव क्या बनता हमारा, लेट इंग्लिश बी स्पोकन। तो कुछ नहीं करना है आपको, लेट को ऐड करना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट को ऐड कीजिए, बी लिखिए, और वर्ब की थर्ड फॉर्म को ऐड कर दीजिए, बन गया आपका ये पैसिव। अब फ्रेंड्स, बात करते हैं क्या वो सारे स्टेटमेंट जहां पर हमें ऑब्जेक्ट नहीं मिलने वाला। तो सोचिए कि अगर मैंने आपसे कहा होता कम इन, तो आपके सामने एक सेंटेंस है, क्या लिखा मैंने, कम इन। इसी तरीके से और सेंटेंस सुनिएगा, गो अप, स्पीक, सिट डाउन, स्टैंड अप। तो आपने माइंड किया, जितने भी सेंटेंस मैंने आपके सामने बोले वहां पर किसी भी प्रकार का कोई ऑब्जेक्ट नहीं था। तो हम बात करने जा रहे हैं वो सारे स्टेटमेंट जहां पर हमें ऑब्जेक्ट नहीं मिलता, तो उसको पैसिव में कैसे बदला जाए। बट इसको पढ़ने के लिए आपको एक कॉन्सेप्ट समझना होगा। फ्रेंड्स, इंपरेटिव सेंटेंस जो होता है ना, इसमें एक छिपा हुआ सब्जेक्ट होता है, और वो कौन होता है, यू होता है। कैसे होता है उसको समझिए। अगर मैंने आपसे कहा होता स्टैंड अप, तो बात मैंने किससे की है, आपसे तो की है ना, मैंने आपको ही कहा है खड़े हो जाइए। गो आउट, तो मैंने बात किससे की, फिर आपसे ही की है ना, कि बाहर जाइए।
ऑन द फैन, तो मैंने किससे कहा है, आपसे ही तो कहा है ना कि पंखा चालू कर दीजिए। तो माइंड कीजिए यहाँ पर एक छिपा हुआ सब्जेक्ट होता है और वो कौन होता है, यू, जिसको ना तो हिंदी बोलते समय हम लोग यूज करते हैं बार बार और ना ही इंग्लिश बोलते समय उसको मेंशन करने की जरूरत होती है। हम हिंदी बोलते समय ऐसा नहीं कहते आप खड़े हो जाइए, आप बाहर जाइए, आप यहाँ आ जाइए, सीधा क्या बोलते हैं, अंदर आ जाइए, बैठ जाइए, खड़े हो जाइए, सच बोलिए, झूठ मत बोलिए। यानी इंग्लिश बोलते समय या हिंदी बोलते समय हम लोग यूज शब्द का यूज नहीं करते। तो उसी प्रकार से माइंड कीजिए कि हमारा यहाँ पर एक छुपा हुआ सब्जेक्ट है और वो कौन होगा, हमारा यू होगा, जिसकी जरूरत आज हमें पढ़ने वाली है। अब फ्रेंड्स अगर सेंटेंस में देखिए यहाँ पर क्या लिखा है मैंने, कम इन, तो यहाँ पर आपको माइंड करना होगा कि अगर सेंटेंस में प्लीज वगैरह लिख के आ रहा है, यानी हम सामने वाले से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अगर रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो उसका पैसिव किससे बनेगा, यू आर रिक्वेस्टेड। लेकिन अगर सेंटेंस में प्लीज वगैरह लिख के नहीं आया है तो उसका पैसिव बनाने के लिए हम क्या लिखने वाले हैं, यू आर ऑर्डर्ड। इसके ठीक बाद दोनों के बाद हमें यहाँ पर क्या करना है, टू, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखकर पूरा सेंटेंस कॉपी कर देना होगा और कुछ नहीं करना है। तो हमारे पास सेंटेंस क्या था, कम इन, इसका मतलब क्या होता है कि अंदर आ जाइए। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से, तो यहाँ पर कहीं प्लीज वगैरह तो नहीं लिखा, तो हमें सबसे पहले क्या लिखना होगा, यू आर ऑर्डर्ड। इसके बाद हमें यहाँ पर क्या लिखना है, टू, और सारी चीजों को चुप चाप कॉपी करना है। टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमें लिखनी है, तो हमारा सेंटेंस क्या बनने वाला है, यू आर ऑर्डर्ड टू कम इन। ये था हमारा एक्टिव और ये हमारा क्या बन गया, पैसिव बन गया। तो क्या आपने माइंड किया, अगर सेंटेंस में हमें ऑब्जेक्ट नहीं मिल रहा है तो उसको आप यू आर ऑर्डर्ड और यू आर रिक्वेस्टेड से उसका पैसिव बना सकते हैं। और फ्रेंड्स अगर इसी सेंटेंस को मैं ऐसा बोलता कि प्लीज कम इन, प्लीज कम इन, तो यहाँ पर देखिए अगर प्लीज लिखा है यानी हम सामने वाले से क्या कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, और अगर बात रिक्वेस्ट की है तो उस कंडीशन में हमारा जो एक्टिव का पैसिव होगा वो किससे बनने वाला, यू आर रिक्वेस्टेड। तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर क्या लिख देना है, यू आर रिक्वेस्टेड, आर ई क्यू यू ई एस टी ई डी। तो सेंटेंस देखिए हमारा फिर से कम्प्लीट हो गया है, यू आर रिक्वेस्टेड टू कम इन। इसी तरीके से अगर फ्रेंड्स मैं आपसे कह था प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी, अगर इस प्रकार का सेंटेंस है तो ये सेंटेंस भी तो हमारा इंपरेटिव है, लेकिन हम सामने वाले से क्या रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कृपया मेरी मदद कीजिए। तो ऐसी कंडीशन में हमारा जो सेंटेंस है वो क्या बनेगा, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी। तो आपको ध्यान देना होगा कि अगर हमारे सेंटेंस में ऑर्डर दिया जा रहा है तो आप उसको यू आर ऑर्डर्ड से बना लें, और अगर प्लीज वगैरह लिख के आ जाए, काइंडली लिख के आ जाए, तो वहां पर हम क्या कर रहे हैं, सामने वाले से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो आपको उसको यू आर रिक्वेस्टेड से बनाना होगा। अब फ्रेंड्स इसमें एक एग्जांपल और देखते हैं जहां पर हमारे सेंटेंस की शुरुआत कहां से हो जाए, डोंट से। तो फ्रेंड्स सोचिए कि अगर मैंने आपसे कहा होता कि सिट हियर, सिट हियर, इस सेंटेंस को अगर मुझे पैसिव करना होता तो मैं क्या बोलता आपसे, यू आर ऑर्डर्ड टू सिट हियर। बन गया ना हमारा, ये एक्टिव था और उसका पैसिव, यू आर ऑर्डर्ड टू सिट हियर। लेकिन अगर मैं आपसे कहता कि डोंट सिट हियर, डोंट सिट हियर, इसको अगर मुझे पैसे बनाना होता तो मैं कैसे बनाता, उसको ध्यान से देखिए। अभी भी हमारे सेंटेंस में ऑब्जेक्ट तो मुझे मिला नहीं और हमारे सेंटेंस की शुरुआत कहां से हो चुकी है, डोंट से हो चुकी है। यानी हम स्टेप नंबर दो की बात कर रहे हैं, आपने देखा होगा इंपरेटिव सेंटेंस में पहले स्टेप हमने लिखी थी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट, लेकिन जो सेकंड स्टेप में मैंने क्या लिखा था, डोंट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर क्या, ऑब्जेक्ट। यानी अब हमारे एक्टिव सेंटेंस की शुरुआत कहां से हो रही है, डोंट से हो रही है। तो अगर इस प्रकार का आपको सेंटेंस मिल रहा है जिसको पैसिव करना होता तो कैसे करते हैं, उसको ध्यान से देखिए। एग्जांपल आपके सामने मैंने लिखा है डोंट सिट हियर, इसको क्या करने जा रहे हैं, हम लोग पैसिव बनाने जा रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए प्लीज वगैरह तो लिखा नहीं है, इसका मतलब क्या, ऑर्डर ही दिया जा रहा है। अगर बात ऑर्डर की है तो यहाँ पर लिख लीजिए यू आर ऑर्डर, ओ आर डी ई आर ए डी। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि अगर डोंट नहीं होता तो हम यहाँ पर क्या लिखते हैं, टू सिट हियर, ऐसे ही तो सेंटेंस बना। अगर यहाँ पर डोंट ना होता तो मुझे क्या बोलना पड़ता, यू आर ऑर्डर टू सिट हियर। लेकिन अगर सेंटेंस की शुरुआत डोंट से हो गई है तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, यू आर ऑर्डर नॉट टू सिट हियर। बस इतना ही करना है और कुछ नहीं करना है। तो वो सारे सेंटेंस जिनकी शुरुआत डोंट से हुई है वहां पर आप उसको पैसिव बना सकते हैं, क्या करके, सिर्फ टू के पहले नॉट को जोड़कर। अब फ्रेंड्स अगर इसी सेंटेंस में प्लीज को जोड़ दिया जाए, यदि मैंने आपसे कहा होता डोंट सिट हियर प्लीज,
तो आप माइंड कीजिए, अगर प्लीज लिखा है इसका मतलब क्या, मैं आपसे रिक्वेस्ट ही तो कर रहा हूँ, तो कुछ नहीं करना है आपको, इस ऑर्डर को हटा दीजिए और इसकी जगह क्या लिखिए, रिक्वेस्टेड। यहाँ पर हमारा सेंटेंस क्या बनेगा, यू आर रिक्वेस्टेड, क्यू यू ई एस टी ई डी, और सेंटेंस कंप्लीट हो चुका है। यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू सिट हियर, आपसे आग्रह किया जाता है कि आप यहाँ ना बैठें। तो ये था हमारा ट्रिप और ये बन गया हमारा क्या, पैसिव। आसान है, प्लीज लिख के आएगा तो रिक्वेस्टेड के साथ, और अगर ना लिख के आए तो उसको आपको ऑर्डर के साथ बना लेना है। आई होप को आपको सारी बातें आसानी से समझ में आ गई होगी। तो फ्रेंड्स इसी तरीके से आप भी प्रैक्टिस करते रहिए, मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में। सी यू नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।